कि अगर सारा हिंदू धर्म ब्राह्मणों का है और हम अछूत हैं, जिस धर्म की किताब को हम पढ़ नहीं सकते, जिस धर्म की किताब को हम छू नहीं सकते, उनकी बातों को सुन नहीं सकते, तो वो धर्म तो हमारा हुआ नहीं। तो उसने सवाल पूछा कि अगर ये सारा आपका है तो हम कहां से आए, हम किसके हैं। जिस समय पूरे देश में धर्म के नाम पर आपके घर के बच्चों को दंगाई बनाकर के किसी मस्जिद के सामने जाकर तलवार लहराने के लिए तैयार किया जा रहा है, उस समय आपके घर के बच्चे अगर डॉक्टर अंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार और फूले की बात करते हैं, तो अपने आप सारे लोगों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग छेड़ी है। यही आपकी जिम्मेदारी। आपने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहां बनाएंगे, मंदिर बनाया, उसके लिए रथ यात्रा निकाली, गंगा किया, मंदिर बन गया, तो रामनवमी मनाने मस्जिद के पास क्यों जा रहे थे। तुम्हारे राम वहां खड़े ही हैं और वहां जाकर के आप पत्थर मार रहे हो, गंगा का माहौल बना रहे हो। हमारे सामने खतरा ये है कि आज इस देश में खुद कभी आप एक बार सोच कर देखिएगा कि हम और आप अगर मुसलमान होते तो रोज कितना जलील होना पड़ता, कितना अपमानित होना पड़ता, यह हमें महसूस ही नहीं होता कैसे वो लोग जी रहे। आज दिल्ली के एक दूसरे कोने पर आपका कार्यक्रम एक उत्सव के माहौल में, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है और सब लोग यहां पर जितने लोग आए हैं उनको ये पता है कि हम लोग जश्न मनाने आए हैं। वो जश्न किस बात का है? वो जश्न इस बात का है कि जिन्हें सदियों से जिनके पूर्वजों को मनुष्य ही नहीं समझा गया, जिन्हें सामान्य ढंग से जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, जिनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं मिला, जिनको पूरे इतिहास में लगातार हाशिए पर रखा गया, उन्हीं के बीच से एक ऐसा नायक पैदा होता है जो उनकी पीढ़ियों तक के लिए इतिहास बदल देता है। इसलिए गर्व का दिन है कि आप अपने नायक का जन्मदिन मना रहे हैं और इससे बड़ा दिन आपके लिए कुछ नहीं। और ये जन्मदिन किस लिए है भाई? ये देश तो ऐसे लोगों का है जो ऐसे ऐसे देवी देवता बनाकर पूजा करते हैं कि वैसे लोग अगर आपके सामने, आपके सामने आ जाएं तो आप डर के भाग जाएंगे। भाई आठ हाथ का कोई आपके सामने आ जाएगा तो आप उसकी पूजा करेंगे कि भागेंगे? मेरा सवाल है, बताइए। जिसके आठ हाथ होगा वो आपके सामने आ जाएगा तो आप पूजा करेंगे कि भाग जाएंगे डर के? अरे भूत आ गया। लेकिन पूजा है, ऐसे ऐसे लोगों की पूजा होती है जिनका वजूद था कि नहीं है पता नहीं, मगर आप अपने नायक की पूजा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर से लेके आए हैं दिखाने कि देखो ये थे तो हम हैं, ये रहेंगे तो तुम रहोगे, इसलिए यहां आना बहुत जरूरी है। इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं भाई। कार्यक्रम का मतलब तो यही होता है। और ये कार्यक्रम कैसा? शिक्षा मेला, शिक्षा मेला है, मेला है तो मेले में हर तरह का ऐसा शोर भी होगा जो मेले में होता है, बच्चे हैं। लेकिन खूबसूरत बात क्या है, मैं भी आयोजकों से, आकाश जी से ये पूछ रहा था तो पता चला कि तीन दिन ये कार्यक्रम चला है। विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता थी, कहीं कविता लेखन प्रतियोगिता है, कहीं पोस्टर बनाने का है, कहीं दौड़ की प्रतियोगिता है। और आज उन सारे बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा जो उसमें अव्वल आए। तो आप वो लोग हैं जो बाबा साहब को केवल पूजते नहीं हैं, उन्हें जीते हैं और अगली पीढ़ी भी तैयार कर रहे हैं कि वो बाबा साहब के आगे मिशन को ले जाए। इसलिए अपने लिए बहुत बड़ा काम किया।
मैं बहुत खुश हूं इस काम से, क्योंकि अब हम ऐसे दौर में हैं कि ऐसा लगता है कि हर कोई भक्त बने फिर रहा है, उसको एक भगवान की जरूरत है। मैं कड़ी बात कह के जा रहा हूं, बाबा साहब ने खुद कहा था कि व्यक्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की पूजा मत करो, वो तो पूजा करने के ही खिलाफ थे। और इसीलिए हमें बाबा साहब की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आज बाबा साहब को अगर वाकई मानना है, वाकई उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है, अभी एक बच्ची बोल रही थी यहां पर, भाषण दे रही थी, उस बच्ची को बोलते हुए एक बच्ची ने अंग्रेजी में बोला, एक ने हिंदी में बोला, और बहुत कम उम्र की लड़कियां थी, 12, 14, 15 साल की। मुझे उन कम उम्र की बच्चियों में राष्ट्रपिता महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के स्कूल से निकली हुई 14 साल की मुक्ता सालवे याद आ रही थी, जिसने पहली बार निबंध लिख करके पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। वो पहली लड़की थी जिसने एक सवाल पूछा था मुक्ता ने, कि अगर सारा हिंदू धर्म ब्राह्मणों का है और हम अछूत हैं, जिस धर्म की किताब को हम पढ़ नहीं सकते, जिस धर्म की किताब को हम छू नहीं सकते, उनकी बातों को सुन नहीं सकते, तो वो धर्म तो हमारा हुआ नहीं। तो उसने सवाल पूछा कि अगर ये सारा आपका है तो हम कहां से आए, हम किसके हैं। ये निबंध लिखा था, और उस समय जब वो सालाना जलसा महात्मा फूले के कार्यक्रम का उस विद्यालय का हो रहा था, उस बच्चे को सम्मानित किया गया, और इस उम्मीद में बाबा साहब ने उस बच्ची को याद किया गया और ये बात कही कि इस देश में अगर क्रांति कोई सबसे बड़ी हुई तो एक क्रांति तो तथागत बुद्ध ने किया। आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बुद्ध वंदना की। जिस समय पूरे देश में धर्म के नाम पर आपके घर के बच्चों को दंगाई बनाकर के किसी मस्जिद के सामने जाकर तलवार लहराने के लिए तैयार किया जा रहा है, उस समय आपके घर के बच्चे अगर डॉक्टर अंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार और फूले की बात करते हैं, तो अपने आप सारे लोगों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग छेड़ी है, यही आपकी जिम्मेदारी। हमारे पुरखों ने क्या ऐसे नौजवानों का खाब सोचा था? आपने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर वहां बनाएंगे, मंदिर बनाया, उसके लिए रथ यात्रा निकाली, दंगा किया, मंदिर बन गया, तो रामनवमी मनाने मस्जिद के पास क्यों जा रहे थे? तुम्हारे राम वहां थोड़े ही हैं, और वहां जाकर के आप पत्थर मार रहे हो, दंगा का माहौल बना रहे हो। इस मंच से यह बात कहना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने खतरा क्या क्या है। हमारे सामने खतरा यह है कि आज इस देश में खुद कभी आप एक बार सोच कर देखिएगा कि हम और आप अगर मुसलमान होते तो रोज कितना जलील होना पड़ता, कितना अपमानित होना पड़ता, यह हमें महसूस ही नहीं होता कैसे वो लोग जी रहे। तो आज यह बात अगर आप उनके लिए सोचेंगे तो आपके लिए भी कोई कल को खड़ा होगा। बाम से बनाया था माननीय कांशीराम ने, तो बाम से पहले उसके संगठन में बाम सेब के पहले बनाया डीएस कोर। हमारे अग्रज लोग बैठे, हम लोग कमरे में बैठ कर बात कर रहे थे, और बात उस जमाने की हो रही थी जब कहा गया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जब नारा लगाया गया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर, जब ये काम उस समय नारा लगाया गया था, तो इन्होंने याद दिलाया कि हाँ डीएस फोर भी बना था, उसमें नारा लगाया गया था कि ब्रह्मा ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब है डीएस फोर। तो जितने लोग शोषित लोग थे वो सब तो डीएस फोर में थे, और बाम से बना तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी लिखा हुआ है उसमें, यानी 90% इस देश के शोषित कमजोर लोग थे उनका संगठन बना था ना बाम से, उसमें माइनॉरिटी भी लिखा है ना। तो कल अगर उनके बच्चे दंगे में मारे जाएंगे तो हमारे और आपके घर के बच्चे क्या बहुत दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे? इसलिए दंगाइयों के खिलाफ सच बोलना,
आज के दौर में ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर को असल में याद करना है, इसलिए हमें अपने वक्त का सच बोलना पड़ेगा। और किनसे हमारी लड़ाई है? वो लोग जो आज कह रहे हैं कि टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा, ये हमारी लड़ाई उन्हीं से है जिन्होंने कल कहा था जब ज्योतिबा फुले अपने सबसे प्रिय मित्र की बारात में गए। किस्सा सुनिएगा, महिलाएं इस आयोजन में इतनी शानदार उम्मीद में और ताकत में बैठी हैं। मुझे लगता है कि जब भी किसी कार्यक्रम में मैं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं और उनसे भी ज्यादा नौजवानों को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि असल में बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले ऐसे ही दुनिया की कल्पना कर रहे थे जिसमें जो पीछे थे वो आगे खड़े रहे। वरना हमारे यहाँ तो सारी क्रांति पुरुष ही करते रहे, ज्योतिबा फुले भी अच्छे पति बने रहते और सावित्रीबाई फुले को घर में रखते तो क्या शिक्षा क्रांति हो सकती थी क्या? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, दो तीन किस्सा सुनाऊंगा उसी से आप बात समझ जाइए। ज्योतिबा फुले को भी नहीं पता था कि वो किस जाति के हैं, उनका सबसे प्रिय दोस्त था ब्राह्मण, उसकी बारात में साथ चले गए, नाच रहे हैं और पता चला कि तब तक नजर पड़ी उन लोगों की जो लोग मुख से पैदा हुए थे, भूदेव थे, बड़े बड़े लोग, उनकी नजर पड़ी कि शूद्र हमारे साथ कैसे चल रहा है। उन्होंने धक्का मार करके बाहर कर दिया। तो ज्योतिबा फुले जाकर अपने पिता गोविंद राव से पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्या अपमान हुआ। तो गोविंद राव हिंदू वाले ओबीसी थे, यानी एक संस्कारी हिंदू थे। गोविंद राव मानते थे वो ब्राह्मणवादी धर्म को, तो उन्होंने कहा कि अरे बढ़िया हुआ कि उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, तुम शूद्र हो, वो ब्राह्मण, उनके साथ तुम नहीं जा सकते। ज्योतिबा फुले को तब बात समझ में आई थी कि हम लोग हैं कौन। और उसके बाद ज्योतिबा फुले जब स्कूल खोले तो उनके उसी पिता ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी, ये तुम लोग धर्म विरोधी काम कर रहे हो और उसके लिए तुम्हारे सामने विकल्प है, या तो तुम अपना घर चुनो या अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताइए, ज्योतिबा फुले ने अपना स्कूल चुना था या अपना घर चुना था? हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों को पता है क्या चुना था? जोर से बोलिए, घर ने चुना। अगर घर चुनते तो आज यहाँ उनकी तस्वीर होती क्या? अगर अपने पिता के अच्छे पुत्र होते तो क्या उनको हम यहाँ तस्वीर रखते क्या? स्कूल चुना था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने, और स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए दीवार पर पोस्टर लगाया गया कि ये धर्म विरोधी लोग हैं, इनका अपमान किया जाए, गांव से निकाल दिया। दो साड़ी लेकर जाती थी पढ़ाने ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, और दोनों साड़ी पर कचरा फेंकते थे, मैला फेंकते थे, पत्थर मारते थे जब तक वो स्कूल जाते थे। वो हमारी पुरखों को पत्थर मारते गए। उन्होंने कविता लिखी है सावित्रीबाई फुले ने कि तुम मुझे पत्थर और गोबर मारते गए, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती चली गई, यही अंतर तुम्हारे और हमारे में है। आज तुम्हें कोई नहीं जानता और हमारा इतिहास दर्ज है। कौन जानता है कि सावित्रीबाई फुले पर गोबर किसने फेंका था? किसी का नाम जानते हैं क्या? कौन जानता है कि ज्योतिबा फुले को मारने के लिए, जान से मारने के लिए घोंडीबा को उनके घर कौन भेजा था? उस ब्राह्मण का नाम आपको पता है क्या? घोंडीबा को ज्योतिबा फुले ने अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया, और गुलामगिरी जो लिखा है उसमें संवाद शैली में घोंडीबा ही उनके प्रिय शिष्य है, जिनसे संवाद करते हुए ज्योतिबा फुले पूछते हैं कि ब्रह्मा के अगर चार मुंह थे तो किस मुंह से मां का स्तनपान करता था? मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, ये तो ज्योतिबा फुले कह रहे हैं। ज्योतिबा फुले पूछ रहे हैं कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता था तो गर्भ कहां ठहरता था? भाई सवाल गलत है क्या? आप सोचिए कि यह सब दुनिया में अगर हम लोग की बातें जाती होंगी तो दुनिया वाले कितना हंसते होंगे कि दुनिया भर में इंसान एक तरह से पैदा होता है। एक ऐसा देश है जहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है। क्या किया गया था आपको? मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया ना। आज भी महिलाएं इतना बैठी, मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, आजमगढ़ से, हमारे यहां महिलाओं के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारी थोपी गई है। अपने पुत्र की लंबी उम्र रखनी है तो हमारे यहां पूर्वांचल में व्रत चलता है, ज्योतिया का व्रत, ज्योत पुत्र का व्रत, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, इधर के लोग होंगे तो उनको नहीं। मां अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी कौन सा व्रत रखती है? जोर से बोलिए, करवा चौथ। अब एक बात बताइए,
कि बेटे की लंबी उम्र के लिए ज्योत पुत्र का वक्त पुत्र वक्त है, तो बेटियां कभी आप लोग जितनी लड़कियां हैं मैं उन सबको भड़का रहा हूं कि घर जाके पूछना कि बेटी की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत बना क्या? बेटी की लंबी उम्र नहीं चाहिए क्या आपको? अच्छा, पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रहती थी, तो पत्नी की लंबी उम्र के लिए पति लोगों का कोई व्रत बना है क्या? बताइए, कोई व्रत बना है क्या? कोई व्रत नहीं। सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर। इसलिए पुरुष क्या हुआ, बाहर हमारे यहाँ मनुस्मृति लिखी गई थी ना, मनुस्मृति में लिखा कि स्त्री को हमेशा जीवन भर गुलाम रहना चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में बेटे के अधीन। तो ये बताओ कि पुरुष किसका गुलाम होगा? नहीं लिखा ना। पढ़ाई से दूर किन लोगों को किया? शूद्रों को और महिलाओं को। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा की देवी कौन बनाया? सरस्वती। महिला को ही देवी बना दिया और महिला को पढ़ने का हक नहीं मिला। तो ये बताओ, अगर कोई वाकई सरस्वती माँ जैसी कोई देवी होती तो वो क्या एक बार सवाल पलट के नहीं पूछती कि ये महिलाएं भी हमारी ही संतान है, हमें इनको भी शिक्षा देनी है? अगर सरस्वती शिक्षा की देवी थी तो महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं मिली? शूद्रों को शिक्षा क्यों नहीं मिली? तो ज्योतिबा फूले के सामने, सावित्रीबाई फूले के सामने तो एक विकल्प था ना कि वो भी किसी मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगते, कोई हवन कीर्तन गाते। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने क्या चुना? हम शिक्षा देंगे सबको, क्योंकि शिक्षा ही गुलामी से मुक्त करेगी। और उन्होंने कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा। इसलिए हमारे नायकों की लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। हमारे किसी भी महापुरुष ने किसी भी मंदिर बनाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी थी। इसलिए आज अपने बच्चों को समझाइएगा, अगर जिस दौर में स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने की लड़ाई होनी चाहिए, उस दौर में यहाँ मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई चल रही है। अगर आपके घर का बच्चा उधर चला गया तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, और मंदिर से लौट करके अगर स्कूल चला आया तो पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। इसलिए आज के कार्यक्रम में आपको शपथ लेकर के जाना, ये फर्क है उनमें और हमें ना। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उस ज्योतिबा फूले को गुरु बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने तीन गुरु बनाए। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर। कौन से कबीर? वही कबीर जिन्होंने लिखा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो वही दूसरी तरफ लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। सोचिए, वो आपके महापुरुष थे ना, उन्होंने क्या लिखा, अरे इन दोन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन रान पाई। उस कबीर ने लिखा कि हम तुम कत बाबन, हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। क्या तुम्हारी नसों में दूध बहता है और हमारे में लोहा बहता है कि हम सूत्र हो गए तुम ब्राह्मण हो गए? एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। वैसे कबीर और दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, दुनिया के दुख को दूर करने वाले तथागत बुद्ध को अपना गुरु बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो हमारे नायकों की विरासत है। और तीसरे गुरु बनाए महात्मा फूले को। क्यों बनाया? अब जो किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं, अभी पुरस्कार भी बच्चों को देना है। पहला किस्सा ध्यान से सुनिए। कथा हवन होती रहती है ना, कथा हवन होती है, देखा होगा, आप लोग तो नहीं करते होंगे, जाग गए हैं, लेकिन आसपास देखा होगा। कथा हवन किस बात के लिए? एक बार मैं जो किस्सा सुना रहा हूँ बाद में उसका रेफरेंस दूंगा। एक बार दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने पूछा कि अरे भाई दादाजी की आत्मा कहाँ गई? तो पंडित ने जो गृह दशा देखते हैं, उन्होंने कहा कि अभी ऊपर उनकी आत्मा एक जगह रुकी हुई है, मुक्ति नहीं हुई है आत्मा की। ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद कहा कैसे मुक्त होगी? तो पंडित ने कहा कि हम हैं ना, हम देवता के अवतार हैं धरती पर। कौन? वही जो मुख से पैदा हुआ। तो उसने कहा कि हम देख रेख उनकी करेंगे। तो उसने पिता ने पूछा कि पिताजी हमारे दादाजी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
तो उन्होंने पंडित ने कहा कि सब तो ठीक है, सोने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, एक चारपाई की जरूरत है। चारपाई कौन लेगा? पंडित जी लेंगे। पंडित जी चारपाई लेके गए कि हम दादाजी तक पहुंचा देंगे। कुछ दिन बाद फिर वापस आए, पिताजी हाथ जोड़ के खड़े, गोविंद राव की तरह पिताजी रहे होंगे, धर्म भीरू। तो पिताजी ने पूछा कि अब दादाजी की कैसी तबीयत है, कैसा हाल है? कहे बड़े मजे में है, चारपाई पे बड़ी अच्छी नींद आती है उनको। तो कहा और कोई दिक्कत? तो कहा हाँ थोड़ी सी दिक्कत है, शिव विहार से निकलकर उधर मुस्तफाबाद तक जाने में बड़ी परेशानी होती है, तो एक साइकिल का जुगाड़ अगर हो जाता तो बड़ा सुकून रहता। पिताजी तुरंत साइकिल उठाकर दे दिए कि नई नई साइकिल ले जाइए। पंडित जी साइकिल लेके गए। तीसरी बार जब पहुंचे तो एक वहां पोता जो था बच्चा, वो ऐसे किसी कार्यक्रम में समझदार हो गया होगा, तो वो बैठा देखता था। तो अगली बार जब पंडित जी आए और पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं, तो कहा बड़े मजे में हैं, चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आती है, साइकिल से बड़ा अच्छा मार्केट घूमते हैं। तो जो पोता था खड़ा हो गया, कह रहा पंडित जी झूठ बोल रहे। तो कहा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं क्यों? कहा कि जो चारपाई और साइकिल भेजी थी इन्होंने, वो दादाजी को मिली ही नहीं। तो पंडित नाराज होकर पूछा तुमको कैसे पता चला? तो उसने कहा ये देखिए हमारे पास दादाजी ने चिट्ठी लिखकर भेजी है, चिट्ठी लिखकर भेजी है कि हमें साइकिल और चारपाई नहीं मिली। तो पंडित नाराज होकर पूछा कि तुम्हें ये चिट्ठी किस रास्ते मिली? तो पोता बोला उसी रास्ते, जिस रास्ते आपने साइकिल भेजी थी, चारपाई भेजी थी, उसी रास्ते ही मिला। अब उसके बाद बताइए कोई टिकेगा क्या? जिस दिन हमारी पीढ़ियां तर्क करने लगेंगी, कर्मकांड और अंधविश्वास की दुकानदारी बंद हो जाएगी, ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैज्ञानिक सोच पर तैयार करें अपनी नई पीढ़ी को, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी ज्योतिबा फूले ने एक नाटक छोटा सा लिखा तृतीय रत्न, उस नाटक का किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। उस किस्से में क्या लिखा? एक आदमी बड़ा परेशान हुआ कि हमारे जीवन में बड़ा कष्ट चल रहा है। तो कष्ट लेकर कहां गया? पंडित जी के पास। पंडित जी से बोला बड़ा कष्ट है जीवन में। पंडित जी ने उसका पत्रा उतरा देखा और कहा शनि ग्रह की दशा तुम्हारी ठीक नहीं है। कौन से ग्रह की? कौन से ग्रह की दशा? शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह की दशा को ठीक करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वही कहां से पैदा हुआ था, आप समझ गए। तो उसने कहा कि मैं आपकी ग्रह दशा ठीक कर दूंगा, तुम्हारे जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो कहा क्या करना होगा? तो उसने कहा हवन करा लो, 10,000 रुपया लगेगा। उसने कहा कि साहब हम तो बहुत गरीब हैं, ये ज्योतिबा फूले ने लिखा है तृतीय रत्न नाटक पढ़िएगा। मैं पढ़ के चूंकि पाठशाला का परिचय देगा तो जो पढ़े हैं वही बता रहा। तो पंडित से बोला कि 10,000 रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो पंडित बोला कि अच्छा ऐसा करो कि 5,000 रुपया दे दो, तुम्हारे लिए ऑफर चल रहा है, जैसे रिलायंस मॉल में ऑफर चलता है एक के साथ एक फ्री। तो उसके बाद उसने कहा 5,000 रुपया भी नहीं है। तो फिर वो आदमी बोला कि 1,000 कर लो। तो फिर इसने कहा कि 1,000 रुपये भी नहीं है। तो पंडित बोला कि 100 रुपये दक्षिणा दे दो, एक हफ्ते के लिए शनि की ग्रह दशा ठीक कर देता हूँ, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना, मुक्ति हो जाएगी। वो आदमी जेब खोल कर खड़ा हुआ और कहा कि मालिक मेरे पास मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो पंडित गुस्से में खड़ा हुआ, कहा जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि का भी निशाना क्या था? आपकी जेब। पंडित जी का भी निशाना क्या था? आपकी जेब। और आप क्या करते रहे मुक्ति के लिए? अपना सब कमाई लुटाते रहे। इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा था ये अंधविश्वास और कर्मकांड के नाम पर हमारे पीढ़ियों को लूटा गया है। श्रमजीवियों ने श्रम किया और परजीवियों ने बैठ करके उसको लूटा है। 90% श्रमजीवी लोगों को चौधरी छोटू राम कहते थे, हम कमेरा लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और 10% वो लोग कौन है? लुटेरा लोग हैं, जो खुद कोई मेहनत नहीं करते और हमारी मेहनत पर पलते हैं। आज वही हमको समझा रहे हैं कि 85% हिंदुओं तुम खतरे में हो, चलो हिंदू धर्म बचाना है। अरे इस देश के गृह मंत्री के बेटा को काहे नहीं चिंता हिंदू धर्म बचाने की? पता है कि नहीं इस देश के गृह मंत्री का बेटा कहाँ है? जिसको ढंग से 2 लाइन बोलने नहीं आता वो BCCI का चेयरमैन बना है, हर महीने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है,
जितने नेता ये हिंदू धर्म खतरे में बताते हैं, इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और आपके घर के बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, चलो दंगा करने चलो। आज हम वहां खड़े हैं जिस उम्र में आपके घर के लड़के और लड़कियों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उस उम्र में ये लोग तलवार पकड़ा रहे हैं और वो आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? लेकिन सजग रहिएगा, कल 14 अप्रैल है ना, यही लोग बहुरूपीय लोग कल बाबा साहब की तस्वीर और मूर्तियों पर माला भी पहनाएंगे। रविदास मंदिर में जाकर झाल बजा रहे थे तो उनसे पूछना चाहिए था कॉलर पकड़ करके, अगर रविदास तुम्हारे थे तो बताओ ये रविदास मंदिर को गिराने का आदेश किसने दिया था, उसका जवाब दो, तब हम मानेंगे कि तुम हमारे हो। ये सवाल पूछने की जरूरत है, उनसे सवाल करिए। अगर अंबेडकर की फोटो लगा करके कहते हैं कि हम दलितों के हैं तो पहला सवाल ये करो कि डॉक्टर अंबेडकर क्या केवल दलितों के नेता थे क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर ने इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया? और आज सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हो और बड़ी बड़ी तस्वीर पर माला पहना करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हो। एक बार मैं आपसे बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूं, मेरा जवाब दीजिएगा, क्या आप ये पहचान नहीं पाएंगे क्या कि कोई व्यक्ति आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा और रोजगार खत्म करे, आरक्षण खत्म करे, संविधान खत्म करे, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करे और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाए तो क्या उसे आप अपना नेता मानेंगे? जोर से बोलिए, क्या वो आपका नेता होगा? ये बहुरूपियों को समझा दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर को हम मूर्तियों और तस्वीरों में नहीं अपने दिल में रखते हैं, अगर तुम्हें उनको मानना है तो शिक्षा और रोजगार दो। ये लुटेरे झूठ बोल करके ड्रामा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पता है डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लाखों लाख लोग तैयार हो गए हैं, तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा बिना डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर, वरना उनके दिल में कौन है? गोडसे गोलवलकर और हरिद्वार को मानने वाले लोग फूले अंबेडकर और पेरियार की बात करते हैं, इससे बड़ा दोहरा चरित्र इस देश में क्या होगा? शर्म नहीं आती? मूर्तियां किसने तोड़ी इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की? किसने तोड़ी मूर्तियां? बात यह है कि उनके दिल से हमारा खौफ पूछो, जो आज भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं और उन मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। ये ताकत है हमारी, इस ताकत को पहचानिए। शिव विहार के लोगों, मैं आपके सामने कुछ कहने नहीं आया, केवल चेतावनी और आग्रह करने आया। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी ठेके पर प्रोफेसर हूं। हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र मीणा राजस्थान के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, शिव विहार में आए हुए। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, इलाहाबाद से पढ़ाई किया, दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, आपके बीच बैठा हूं। एक ऐसा भारत जिसमें सब मिलजुल करके रहे, वो खाब देखने वाले नायक का नाम था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, आज उस भारत को भी तोड़ा जाए। तुम कहते हो राष्ट्र खतरे में, हम पूछते राष्ट्र में है कौन? देश का भूगोल से बनता है क्या? देश में रहने वाला जितेंद्र मेघवाल हिंदू नहीं था क्या? उत्तराखंड में बच्चों को खाना बनाकर खिलाने वाली सुनीता देवी हिंदू नहीं थी क्या? इस देश में दलित और पिछड़े हिंदू नहीं है क्या? बस्तर और बकसवा के जंगलों में अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए गोली खाने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है? तुम तो कहते हो ये सारे हिंदू हैं, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर इस देश में 85% हिंदू में 80%, हमारे यहाँ रामराज आया हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो हमारे यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ है जो शिक्षा और सुरक्षा बोलता है, हालांकि बोलने पर मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सोचिए वो आदमी खुलेआम चुनाव में कह रहा था 80-20 का चुनाव है और आपको 80 में जोड़ रहा था कि नहीं? वो कह रहा था ना 80% हिंदू एक तरफ रहो, 20% मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना। मेरा सवाल है डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर इस सवाल को पूरे देश में फैला दीजिए, अपने आप सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा खत्म न हो जाए तो कहिएगा। वो सवाल ये है कि अगर 15% दलित हिंदू थे तो 15% सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, 15% दलित, 7.5% आदिवासी और 52% ओबीसी होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए?
अगर ये सारे हिंदू थे तो इतना डॉक्टर इंजीनियर वकील उद्योगपति जमीन ये आपकी होनी चाहिए थी ना। आपकी जमीन क्या मुसलमानों ने छीनी क्या? आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं क्या मुसलमान कर रहे हैं क्या? आपके नौकरी जहां मिलती थी वहां बेच दिया नौकरी को, वो मुसलमान बेच रहा है क्या? और आपके बच्चों को क्या समझाया जा रहा है हिंदू धर्म खतरे में है वहां जाना है? इस देश में आपको हिंदू तब बनाया जाएगा जब आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का मतलब यह है कि आज नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश के स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों को उन्हीं अपने दोस्तों के हाथों बेच दिया गया है जिन्होंने इनको चुनाव लड़वाया। क्या नारा दिया था? वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नारा दिया था ना, देश नहीं बिकने दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे असेंबली में भाषण देते हुए कहे कि इस देश में एक मजदूर, एक किसान, एक दलित, एक पिछड़ा कुछ भी खरीदता है तो टैक्स देता है, उसके टैक्स से जो पैसा मिला है उसका तुम 1% भी शिक्षा पर नहीं खर्च कर रहे हो। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करो। ज्योतिबा फूले जब ड्यूक ऑफ कनाट के सामने खड़े हुए तो ज्योतिबा फूले फटा पुराना कपड़ा पहनकर गए थे, उनको गेट से घुसने नहीं दिया। तो ज्योतिबा फूले को दूसरा व्यक्ति देखा और वो बोला कि ये कौन आया है? तो उन्होंने कहा कि तो ज्योतिबा फूले हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अंदर ले आओ। तो ड्यूक ऑफ कनाट ने पूछा कि ये फटे पुराने बस में कौन व्यक्ति बैठा है? तो ज्योतिबा फूले खड़े होकर कहे कि इस देश में किसान कैसे जीवन जीता है इसको बताने के लिए मैं फटा पुराना कपड़ा पहनकर आया हूं कि इस देश में 90% लोगों का दोनों टाइम न तो पेट भरता है न उनके शरीर पर कपड़ा है। ये भरे हुए पेट वाले लोग किसानों का दर्द आपको क्या बताएंगे? और तब ज्योतिबा फूले ने उस सभा में खड़ा होकर कहा था अगर आपको किसानों, शूद्रों, अति शूद्रों की मुक्ति की बात करनी है तो सबके लिए समान शिक्षा लागू कर दीजिए, हमारी पीढ़ियां बच जाएंगी। हम उस फिरके के विरासत के लिए और उसके देश में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और डॉक्टर अंबेडकर के देश में आपकी शिक्षा बेच दी गई, आपको बताया ही नहीं गया। बेच दिया है नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूल और डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय। आपके अगर गांव में, कस्बे में एक स्कूल अगर सरकारी है तो वहां मास्टर नहीं है, वहां किताब नहीं है, वहां पढ़ने कौन जाता है? गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित 90% लोगों के घरों के बच्चे, और उनके घरों के बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं जहां लाखों रुपए फीस होती है? तो किसके घर के बच्चे आगे निकलेंगे? महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर के बाद एक नायक पैदा हुआ था जिसका नाम था माननीय कांशीराम, और उस कांशीराम ने कहा कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम बराबरी की दुनिया बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस कांशीराम ने मंडल कमीशन को लागू करने की लड़ाई लड़ी, उस कांशीराम ने सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उस कांशीराम ने बहुजनों को जोड़ने की बात की। मंडल कमीशन में वो लड़ाई साझा मिलकर के लड़ी गई थी। आज आपको खतरा बस आगाह करके जा रहा हूं, आप हिंदू मुस्लिम में फंसे रह जाएंगे। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा, इस समय बेरोजगार सबसे ज्यादा किसके घर के बच्चा है? हमारे पुरखे तो हाथ से काम करते थे ना, मशीन आई तो बेरोजगार सबसे पहले कौन हुआ? जो कमेरा लोग थे। और आज भी वो कहते हैं आरक्षण गलत है। हम कहते हैं कि आरक्षण अगर लागू है तो 100% आरक्षण मंदिर के पुजारी में लागू है, और मैला साफ करने वाला भी 100% आरक्षण है। इस देश में बंट गया है, एक गरीब, कमजोर, मजलूम का बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन तय हो जाता है कि उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं, उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं, उसका जीवन कैसा रहेगा। इस देश को बांट दिया गया है और हम अपने लोगों को ही नहीं पहचान पा रहे। और क्या बात है कि हम तार्किक होना चाहिए, विवेक संपन्न होना चाहिए, और हम कर्मकांड में फंस गए। अच्छा गुलामी कहाँ है? मानसिक गुलामी। अब एक किस्सा सुनिए, एक आदमी टोपी बेचता था। क्या बेचता था? जोर से बोलिए। टोपी बेचता था ना, और गठरी में टोपी लाद कर एक बार रास्ते से जा रहा था तो थक करके पेड़ के नीचे सो गया। ऊपर बंदर खूब ढेर सारे बैठे रहते थे तो उसके झोले से सारी टोपी बंदर निकाल के अपने अपने पहन लिए और पेड़ की डाल पर बैठ गए। उस आदमी की नींद खुली तो वो आदमी देखा कि सारी टोपी गायब है और सारे बंदर टोपी पहन के बैठे हैं।
वो बार बार कहे टोपी दो तो बंदर दौड़ा ले, कहे टोपी दो कोई टोपी न मिले। हम आप होते तो थकार के भाग आते। वो आदमी शायद बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार की विरासत का था, इसलिए दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? पहले एक टोपी अपने पहना, उनको देखा, फिर उस टोपी को उतार कर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका देखा देखी सारे बंदर अपनी अपनी टोपी उतार के जोर से जमीन पर पटक दिया और टोपी भर करके वो लेके चला गया। हमारे और हमारे बच्चों के माथे पर अंधविश्वास, कर्मकांड और दंगा कराने की एक टोपी पहनाई जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि उस टोपी को उतार कर फेंकें और तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता और इंसानियत की एक पाठशाला बनाएं जिसमें सब मिलजुल करके रहें, तब हम फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाएं। ओबीसी के लोगों को मैं बार बार हर मंच से कहता हूं, ओबीसी के लोगों बताओ, अगर इस देश में यादव ओबीसी था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद एक यादव के मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? इस देश में अगर कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के ओबीसी जाति के थे और वह हिंदू थे, अगर राम नरेश यादव हिंदू जाति के थे तो दोनों जगह बिहार और उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली से क्या नारा बनाया था बताए? उन्होंने नारा बनाया था कि कर कर्पूरी कर पूरा और गद्दी छोड़ धर्म उस तरह। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी अब भैंस चनावे राम नरेश। ये किसने नारा बनाया था बताओ ओबीसी के लोगों? अगर तुम हिंदू थे तो तुम्हारी मां बहन की गाली दी गई थी, आरक्षण कहां से आई कर्पूरी की मां, उनके लिए नारा बनाया? हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ करके ये जगह दी है कि आज शिव विहार जैसे मोहल्ले में इकट्ठे होकर के ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जन कल्याण संघर्ष समिति जैसे लोग बने हैं, नौजवान बने हैं, जिसने मुझे बताया कि 500 बच्चों को फेलोशिप दिलवाते हैं, वो आपके आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर फूले पेरियार लोहिया कांशी राम ने, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी ने, फूलन देवी और सावित्रीबाई फूले ने कभी इस देश में किसी के सामने झुक करके, डर करके और समझौता करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। आज हमको लगता है कि हम डर जाएंगे, और डर जाएंगे किससे? उनसे जिनके पुरखे डर करके अंग्रेजों से माफी मांगते थे। जिस समय हमारा पुरखा भगत सिंह 23 साल की उम्र में गले में फांसी का फंदा डाल करके लटक गया फंदे पर कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, जिस समय डॉक्टर अंबेडकर सीना तान करके अकेले लड़ गए थे, वो एक भी चुनाव तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं जीत पाए। तो चुनाव जीतने के लिए आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो ये कह देते क्या हाथी नहीं गड़े है ब्रह्मा विष्णु महेश है, कहते क्या डॉक्टर अंबेडकर? हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण संघ बचाएगा, ये मान्यवर कांशी राम और डॉक्टर अंबेडकर के उस सिद्धांत और समझौतों का, उस संघर्ष का ये अपमान है। डॉक्टर लोहिया की विरासत के लोग एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे में परशुराम की कटार, इससे आपका यही हश्र होगा कि एक को मिली एक सीट दूसरे विपक्ष में, अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन दंगाइयों से कैसे लड़े। अरे दंगाइयों से लड़े थे मुलायम और कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम, और उसके बाद उन्होंने आपको एक किया था और आप आपस में लड़ गए। 85-90% लोग हैं उनको एक करना, यही बात कहकर के जा रहा हूं। किस चीज पर एक करना है? शिक्षा रोजगार के लिए, तर्क व विवेक के लिए, बच्चों के लिए। हमारे गांव में हम तो अहिर जाते आते हैं, हमारे यहाँ आखिरी किस्सा सुना रहा हूं भाई, भैंस चुराने हमारे यहाँ चोर अंधेरी रात में आते थे। कब आते थे? अंधेरी रात में। अंधेरी रात में भैंस चुराने वाले चोर आते थे तो भैंस की गली में हमारे गले में घंटा बांधा जाता था, घंटी, तो घंटी बजती रहती थी, घर वाले सोते थे कि हमारा जानवर सुरक्षित है, सब लोग चैन से सो रहे हैं। तो जब भैंस चोर आते थे अंधेरी रात में तो भैंस चुराने के बाद गले की घंटी निकाल करके चोर उत्तर की दिशा में भागता था तो जो बाकी भैंस लेकर के चोर दक्षिण दिशा में भागते थे। अंधेरी रात में घर वालों की नींद खोली तो वो किधर जाएंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है भाग के उधर जाएंगे कि चोर इधर घंटी लेके भैंस लेके जा रहा, दौड़े जा रहे और अंत में चोर घंटी एक जगह फेंक करके भाग गया। पूरा गांव वाले दौड़ करके अंत में जहां गए वहां क्या पाए? घंटी। और चोर भैंस चुरा करके गायब हो गए।
आज इस देश में सांप्रदायिकता की आग इसलिए लगाई जा रही है कि आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और भारत का संविधान खत्म कर दिया जाए। जब तक आप समझेंगे तब तक आपकी शिक्षा रोजगार की भैंस चोरी हो चुकी होगी और आपके हाथ में मिलेगा मंदिर का घंटा, उसका पुजारी कौन होगा ये देखिए। मंदिर बनाने के ट्रस्ट में एक दलित है, बाकी कोई पिछड़ा नहीं, और वो सारा पुजारी बनकर के वो घर घर मंदिर बना रहे हैं। हमारा बस चले, आज अगर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अम्बेडकर होते तो ये कहते कि देवालय बनाने की जरूरत नहीं है, इस देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है, उसकी लड़ाई लड़ो। इस देश में शौचालय बना करके उन्होंने वोट ले लिया, 5 किलो अनाज और 500 रुपया पर हम आप वोट देकर के उनको जिता ले गए, तो उनका मन बढ़ गया है। वो आपके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, वो आपके बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। तो हमारे प्रोफेसर हनी बाबू इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के आज जेल में है, प्रोफेसर आनंद तेंदुबड़े डॉक्टर अंबेडकर की रिश्तेदारी में आते हैं वो आज जेल में। मैं अगर आज इस मंच से प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेंदुबड़े, गौतम नौलखा, बर्बर राव, उमर खालिद और खालिद सैफी को नहीं याद करूंगा तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अधूरी रहेगी, क्योंकि इनके सपनों का भारत को बनाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमारे लोग जेल में है, फिर किस बात का ये भारत का संविधान और किस बात का राष्ट्र। आपसे यह कहकर जा रहा हूं, मेरी बातें जाने कितना असर करेंगी। अगर आप जागे हुए हैं तो और जागे, इससे पहले कि जागने की नौबत ही न हो। आपको जागने के लिए केवल इतना करना है कि अपने बच्चों के हाथ में कभी दंगाइयों की तलवार मत आने दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे पुरखों ने हल चलाने वाले हाथों में, खेती करने वाले हाथों में, मैला ढोने वाले हाथों में, चमड़ा बुनने वाले हाथों में, कुम्हार के हाथ से, बढ़ई के हाथ से, मोची लोहार के हाथ से, निषाद मल्लाह के हाथ से काम छोड़ करके कलम पकड़ाई थी ताकि पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिखना। आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन करके वापस तलवार पकड़ा रहे हैं, इसको रोकना होगा। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे होते, आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो नौकरी के लिए लड़ रहे होते, आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और साझा शहादत से बना साझा विरासत के इस भारत के लिए लड़ रहे होते। अभी जालिब ने एक शेर लिखा है, उसके पहले नवाज देवबंदी कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। इसलिए बटना नहीं है, मिलकर के मुट्ठी बांधिए, एक मुट्ठी बांधिए। और उसमें हबीब जालिम ने लिखा कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुतू, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, डरना नहीं है, हमारे पुरखे डर गए होते इन दंगाइयों से तो आज हम यहाँ नहीं होते, और अगर आज हम यहाँ डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेंगी। वो आपसे पूछेंगी साहब कि आपकी शिक्षा बर्बाद करी जा रही थी, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे, आपकी पीढ़ियों को दंगाई बना दिया जा रहा था, भारत का संविधान खत्म किया जा रहा था, पूरे देश में आग लगाई जा रही थी, और उस समय आप क्या कर रहे थे। मैं सीना तान के कहूंगा कि दिल्ली के शिव विहार मोहल्ले में पे बैक टू सोसाइटी नाम से कुछ लोग संविधान बचाने के लिए जुटे थे, मैं उनके साथ खड़ा था। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान इंकलाब, जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।